He's the only creature that can sniff out bad luck. There's bad luck here too. इस मूवी का नाम है द जंगल बुक। इस मूवी को 8 अप्रैल सन 2016 को रिलीज किया गया। इसे अब तक IMDb पर 7.4 रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी में हमें एक लोमड़ी देखने को मिलती है जो कि बैठी होती है और उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वह अपने बच्चे से कहती है, बेटा क्या हुआ, बाहर आकर खेलो ना। तभी बच्चा अंदर से कुछ खींचता हुआ बाहर आता है और कहता है, उसका जाना जरूरी था, हम उसे बचा सकते थे, उसे हमें नहीं जाने देना चाहिए था। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे भी उसकी याद आती है, लेकिन उसका सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी था। तभी उन्हें एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसे सुन वह दोनों उधर देखने लगते हैं। तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आता है जिसे देख के सब उठ खड़े हो जाते हैं। तब लोमड़ी उनकी माँ बच्चों को अंदर जाने को कहती है। तब वह सब गुफा के अंदर चले जाते हैं। तब शेर आकर वहाँ एक चट्टान पर बैठ जाता और उनके लीडर बघीरा से कहता, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब बघीरा कहता है, वह जंगल छोड़कर जा चुका है। तभी सब लोमड़ वहाँ आने लगते हैं। तब शेर कहता है कि मैं तुमसे साफ कहा करता था उसे मेरे हवाले करना है। तब बघीरा कहता है, वह अब हमारे पनाह में नहीं है, वह अब अपनी राह पर निकल चुका है। तब शेर कहता है, और कहाँ है उसकी ये राह। तब सभी लोमड़ शेर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब बघीरा कहता है, अब वह अपने जैसों के साथ है। तब शेर कहता है कि तब पीला जंगल छोड़कर जा चुका है। बघीरा बोलता है, बिल्कुल, अब हमारे बीच फसाद की कोई जड़ नहीं है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, समझौता जारी है। तब सभी लोमड़ शेर को दहाड़ने लगते हैं और वह उठकर जाने लगता। तभी अचानक से बघीरा पर हमला कर देता है, उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है और वहाँ खड़े सभी लोमड़ से दहाड़ते हुए कहता है कि जब तक वह इंसानी पीला मुझे नहीं मिलता, तब तक तुम सब भी सुरक्षित नहीं हो। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस मूवी को एक बार पूरा देख सकते हैं।